So once again, good morning to all of you and welcome to you all in my YouTube channel Ajay Sir Science Classes. तो आज जो है हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, एक नया वीडियो बना रहे हैं और वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल पे वीडियो बना रहे हैं, है ना। आज यानी आज जो हम लोग क्लास लेंगे वो न्यूट्रिशन इन एनिमल का क्लास लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो इससे पहले का वीडियो फिजिक्स का मिला होगा चैप्टर लाइट का, ये आपको काफी पसंद आया होगा। और आज जो हम वीडियो अभी जो क्लास ले रहे हैं ये हम लोग लेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल का क्लास ले रहे हैं। तो देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी आप क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे या फिर प्रीवियस और भी क्लासेस में आपको जानकारी जैसा मिला होगा कि एनिमल्स जो है उसके वेरियस क्लासिफिकेशन है। यानी जब डाइवर्सिटी को आप देखेंगे तो क्या एनिमल्स का किंगडम जो शुरू होता है वो क्या बोलते हैं पोडिफेरा से शुरू होता है, फाइलम पोडिफेरा, फाइलम कोलेंटेटा, और वैसे करते करते वर्टिब्रेटा में पहुंचता है। और वर्टिब्रेटा में भी उसका क्लास डिवाइड होता है, पांच क्लास होता है जिसमें एक ह्यूमन भी आता है। तो यहाँ एनिमल में जो न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे उसमें एक दो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं, है ना। तो एनिमल में एक अमीबा भी आता है जो क्या है, अमीबा, है ना, एक अमीबा ये देखते हैं। और दूसरा हम लोग लेते हैं यहां पे ह्यूमन लेते हैं, तो समझिए दोनों जो है वो एनिमल ही है, अमीबा भी एनिमल है और ह्यूमन भी एनिमल है। लेकिन दोनों में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो एक जैसा नहीं है, दोनों में क्वाइट डिफरेंट है। वीडियो हम यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं, है ना, प्रिसाइज में चलेंगे ताकि आपका जो अभी एग्जाम जो होने वाला फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो अमीबा जो देखते हैं वो मोस्ट सिंपल एनिमल है, बहुत सिंपल एनिमल है, और ह्यूमन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के तौर पे जाना जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि न्यूट्रिशन जो है वो पांच स्टेप में जाकर के क्लियर होता है ना। जैसे पहला स्टेप है इंजेशन, है ना, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, और पांचवा और आखिरी स्टेप है उसको बोलते हैं इजेशन, है ना, या फिर इसी को हम लोग डिफिकेशन भी कहेंगे। तो ये जो देख रहे हैं ये पांच स्टेप है, पांच स्टेप में हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस जो वो जाकर के कंप्लीट होता है ना। याद रखेंगे पांच स्टेप होता है, चाहे वो सिंपल एनिमल हो या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, इट डजंट मैटर। अब अमीबा के बारे में हम लोग देखते हैं कि अमीबा है क्या। सबसे पहले अमीबा में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है यानी ये जो देखते हैं अमीबा ये क्या है, सिंगल सेल का बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म है, है ना। अब देखिए कि हम लोगों के जैसा यानी ह्यूमन में जो देखते हैं हम लोगों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे माउथ है, नोज है, आई है, ईयर है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन देख रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। माउथ का काम बोलना और खाना है, नाक का काम स्मेलिंग, आई का काम विजन, ईयर का काम हियरिंग। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो क्या है, हर एक एक्टिविटीज के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है। लेकिन जब अमीबा की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना हुआ है, और एक ही सेल का जब बना हुआ है तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी यानी ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम अभी बता रहे हैं, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन सेगमेंट को हम स्टार्ट किए हैं। तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी जो है वो कौन करेगा, ये सिंगल सेल ही करता है ना, सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। यानी इंजेशन सिंगल सेल करने का मतलब क्या कि लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, है ना, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन, ये सारा का सारा लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है। तो सारा का सारा एक्टिविटी कौन, ये सिर्फ और सिर्फ अमीबा कर रहा है ना, मतलब सिंगल सेल अमीबा का जो वो कर रहा है। तो उसमें हम लोग जो देखेंगे इंजेशन कैसे करता है, यानी न्यूट्रिशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि सेगमेंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो अमीबा जो है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यही पांच स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ये अमीबा में भी होगा और ये सारा का सारा स्टेप ह्यूमन में भी होगा। तो हम यहाँ पे अमीबा के केस में बता रहे हैं कि ये फूड का इंजेशन प्रोसेस कैसे करेगा, इसको हम लोग देखेंगे अमीबा इंजेशन कैसे करता है। तो अमीबा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अमीबा खुद में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है
और इसके इर्द गिर्द में जैसे ही जैसे मान लेते हैं कि यहां पे फूड इसको मिला है ना, तो जैसे ही फूड मिलेगा ना तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा यहां पे कि ये यहां पे एक फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया है ना। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया है ना। ये फॉल्स फीट है और ये माउथ के जैसा भी काम करता है, लोकोमोशन में लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसा भी ये काम करता है ना, सब बहुत सारा काम ये करता है। तो एक स्यूडोपोडिया बनाया यहां पे, ठीक है ना। स्यूडोपोडिया जब बन गया उसके बाद क्या होगा कि ये फूड को घेर लिया। अब जब जैसे ही घेर लेगा तो घेरने के बाद क्या होगा कि यहां पे ये पंचर रैप्चर करता है और ये फूड मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर में आ जाएगा और ये जो फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा इस तरीके से ये फिर से घेर लेगा, कवर कर जाएगा। यानी देखिए इंजेशन, इंजेशन का प्रोसेस, यानी इंजेशन क्या होता है, इंजेशन यानी इन टेकिंग ऑफ फूड जो है वो यहां पे कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि जब इंजेशन हो गया तो जैसे ही इंजेशन हो जाएगा उसका नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके बॉडी के अंदर में फूड वैक्यूल्स है, अमीबा के अंदर में फूड वैक्यूल्स है, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर में जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट इंजाइम्स ये जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स ये सारा इस पे काम करेगा और ये फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट जब हो जाएगा ये सारा का सारा फूड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा सारा फूड मॉलिक्यूल्स। स्प्रेड करने के बाद यानी यहाँ पे स्प्रेडिंग यानी एब्जॉर्प्शन हो गया। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये देखिएगा ये और ये जो दोनों प्रोसेस है ये कंबाइंड होता है अमीबा में, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत होना नहीं है, बहुत ब्रॉड ऑर्गन ये ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, इसीलिए एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इसमें कंबाइंड एक ही साथ हो जाता है। और जब हो जाएगा तो सेल क्या होगा, सेल इसके बाद इनलार्ज होगा क्योंकि न्यूट्रिशन, हम लोग भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होगा, इसमें इनलार्जमेंट होगा, ये एडल्ट होगा और फिर ये जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है ये सारा को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करते हुए जाएगा, अब देखिए यहां पे कि ये वेस्ट को कैसे, यानी जो पांचवा लास्टवा जो स्टेप है इसमें ये कैसे परफॉर्म करता है। तो ये फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो कुछ ना कुछ इसमें भी वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल कुछ बचेगा, तो बचेगा ये सारा का सारा कहां आ जाता है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आ जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है वो कहां आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में आएगा। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में जब आएगा तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो एक बार ये रैप्चर ब्लास्ट करेगा और ब्लास्ट करेगा तो ये इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है पंचर होगा और सारे के सारे वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर की तरफ इजेस्ट हो जाते हैं, एक्सक्रीट कर जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इजेशन। यानी देखिए कि ये जो अमीबा है इसमें क्या हुआ, पांचों का पांचों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन, ये पांचों का पांचों स्टेप यहाँ पे भी हुआ। हाँ कुछ हिडन था वो अलग बात है। इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन हो गया, फिर देखिएगा दूसरा ही यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म देखिएगा, ये पैरामीशियम हम लोग ले रहे हैं है ना। तो पैरामीशियम में क्या है कि बिल्कुल जैसे अमीबा में सारा स्टेप होता है इसमें भी वैसे ही होता है। फर्क ये है कि अमीबा का कोई माउथ पीस नहीं होता है और ये जो पैरामीशियम देख रहे हैं इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ सिलिया से ये बॉन्डेड होता है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ एग्जिस्ट करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि फूड यहां मिला तो क्या होगा, ये सिलियरी मोशन होता है, सिलिया मूव करते 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 फूड को क्या किया, बॉडी के अंदर में भेज दिया, सेंड करने का काम कर दिया। यानी इंजेशन हो गया और बाद बाकी जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अमीबा में होता है सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे अमीबा में भी ये होगा। तो हम लोग न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखे। अब जो देखना है न्यूट्रिशन जो देखना है वो हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग में, इसमें देखेंगे ह्यूमन बींग में देखेंगे। तो समझिएगा यहां पे कि ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम बार बार बोल रहे हैं, और इसमें डाइजेशन जो होता है वो एक स्पेशल ऑर्गन यानी एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम के माध्यम से होता है जिसको कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन जो देखेंगे इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो किससे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहां पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेन जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ह्यूमन में क्या क्या है, तो पहला ऑर्गन देखेंगे यहां पे है माउथ है ना, दूसरा देखिएगा ओसोफेगस, ओसोफेगस है ना, उसके बाद देखिएगा आ जाता है स्टोमक,
स्टोमक है ना, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, फिर आ जाएगा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट रेक्टम है, हम यहाँ फाइनली एनस लिख देते हैं। तो देखिए ये मेन ऑर्गन है जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसका ये मेन ऑर्गन है, और सिर्फ ऑर्गन ही नहीं, इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ये सारा का सारा मिल करके ह्यूमन में डाइजेशन को परफॉर्म करवाता है ना। तो अब देखिए यहां पे कि ये जो डाइजेशन हम लोग देख रहे थे ह्यूमन में, ये इतने सारे ऑर्गन है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो अब देखेंगे यहां पे कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।